Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. फ्रेंड्स, आपके पास है सैमसंग का गैलेक्सी A04 और इस फोन में आप करना चाहते हो रिंगटोन सेटिंग, तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। अगर कोई डाउनलोड आपने करके रखी है रिंगटोन और उसको आप फाइल से सेट करना चाहते हैं तो वो भी पता चलेगा। चलिए फ्रेंड्स, आप वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में। यहाँ पे आके आपको देखने को मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करके अगर आपको फोन की वाइब्रेट चालू करना है तो यहाँ पे ये वाले ऑप्शन को इनेबल कर लीजिए। अगर रिंगटोन चेंज करना है तो रिंगटोन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी फोन की रिंगटोन। तो यहाँ आके प्ले करके इनको देख सकते हैं, ये आपकी फोन की रिंगटोन रहती है। इनको यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर फाइल से सेट करना चाहते हो तो उसके लिए प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से इस तरह से इसको परमिशन दे दीजिए। तो जो भी फ़ोन के अंदर आपके गाने वगैरह होंगे सभी आपके सामने आ जाएंगे। तो इसको आप सर्च करके भी अपनी जो भी रिंगटोन वगैरह है उसको डाउनलोड करके लगा सकते हैं सर्च करके, या फिर आप चाहें तो फोल्डर को सेलेक्ट करके भी आप उस फोल्डर में जाके फोल्डर को लगा सकते हैं जो भी रिंगटोन आपने डाउनलोड करके रखी हुई है। इस तरह से तो आप ये सेटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए ये है, इस फोल्डर में जाइए, इस तरह से इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पर डन कर दीजिए, तो आपकी ये फाइल से सेट हो जाएगी। वापस आने के बाद कुछ और भी ऑप्शन है यहाँ पर, जैसे कि नोटिफिकेशन साउंड, इसको भी बदल सकते हैं। सिस्टम साउंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आप उसको भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कई ऐसे फीचर देखने को मिलेंगे जैसे कि रिंगटोन वॉल्यूम, तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपने वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। मीडिया वॉल्यूम कितना रखना है, रिंगटोन वॉल्यूम कितना रखना है, इस तरह से उसको आप सेट कर सकेंगे। तो ये फीचर काफ़ी अच्छे फीचर यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, जो कि अपने हिसाब से आप रख सकते हो। वाइब्रेट का पैटर्न भी आप चाहें तो बदल सकते हैं। इसके लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे वाइब्रेट के पैटर्न देखने को मिलेंगे, इनको सेलेक्ट करके आप वाइब्रेट को चेक कर सकते हैं कौन सी वाइब्रेट आपको अच्छा लग रहा है, इस तरह से इसको सेट कर पाएंगे। इसके बाद आपको देखने को मिल जाता है सिस्टम साउंड एंड वाइब्रेशन कंट्रोल, इस पर क्लिक करके आप अदर साउंड की सेटिंग को कर सकते हैं, जैसे कि टच साउंड को चालू कर सकते हैं, स्क्रीन लॉक को बंद कर सकते हैं, चार्जिंग है, डायल है, और इस तरह से बहुत सारे आपको कंट्रोल देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ से आके आप इनको चालू और बंद कर सकते हैं। तो ये सब सेटिंग आपको देखने को मिलेंगी रिंगटोन की, जो कि अपने हिसाब से आप चाहें तो कर पाएंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।